सांगेर शहर के आशीर्वाद सभागृह में 15 मार्च को जिलाधिकारी के आदेश को धाता बताकर लगभग 1500 लोगों की उपस्थिति में हुई भव्य शादी का मामला अब गर्माता जा रहा है। एक ओर जहां सांगेर शहर और संपूर्ण तालुका दूसरे चरण के कोरोना काल में हॉटस्पॉट बनते जा रहा है, वहीं शहरवासियों को कोरोना संक्रमण के गर्त में ढकेलने वाले संबंधित आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। ज्ञात हो कि शहर के एक रसूखदार जिसका संबंध जिलाधिकारी कार्यालय से भी होने की बात आगे निकल कर आ रही है, उसी के बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से हजारों की उपस्थिति में तथा तहसील एवं नगर प्रशासन के मार्गदर्शिता से मात्र 17,500 रुपए की आर्थिक भुगतान कर निर्विघ्न निपट गया, जिसमें तहसील और शहर के आला अधिकारी भी मिली भगत के संदेह के घेरे में है। तहसील के तहसीलदार चैताली दराड़े को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल के नेतृत्व में उपप्रकरण सभागृह संचालक समेत जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की तथा उक्त घटना में तहसीलदार नगर प्रशासन आदि को नगर के अनेक नागरिकों ने उक्त भव्य विवाह होने की जानकारी समय पर देने के बाद भी कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों? क्या हजारों शहरवासियों की जान की कीमत मात्र 17,500 रुपए है? उक्त विवाह से शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जवाबदारी किसकी? स्थानिक अधिकारियों को कार्रवाई में विलंब करने या करने वाला अज्ञात फोन किसका? घटनास्थल से जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज समय रहते संकलित क्यों नहीं किए? उक्त आयोजन के वक्त फोटोग्राफी व वीडियो शूटिंग कर रहे फोटोग्राफर और वीडियो शूटर्स भीड़ के फुटेज क्यों नहीं लिए गए? क्या किसी गरीब के घर ऐसा आयोजन होता तो जांच अधिकारी उसे इतनी रियायत देते? क्या ऐसे अनेक सवालों के जवाब आगे जांच में जांच का विषय बनेंगे या नाम मात्र जांच कर मामले को रफा दफा कर जिलाधिकारी के कड़े आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाएगी या जांच पूरी होने पर ही पता चल पाएगा? तो वही शहर कांग्रेस द्वारा सभागृह संचालक तथा जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों पर योग्य कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी निवेदन में दी। इस अवसर पर नगर सेवक दीपक बसवार, सुनील साफेकर, भूतपूर्व नगर सेवक लक्ष्मीकांत देवटे, युवा नेता अश्विन कारोर आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी के आदेश को धाता बताकर संपन्न हुए भव्य विवाह समारोह का मामला शहर के करीब होने से उजागर हुआ तो वही तहसील के ग्रीन ग्रोस रिसोर्ट तेलकामठी, शिवतीर्थ उमरी, नील फार्म तेलकामठी, फन प्लांट पाटन सावंगी, स्प्रिंग वैली जटमाखोरा सहित अनेक दुर्गम स्थानों पर स्थित होटल रिसोर्ट में इस प्रकार के भव्य आयोजन रोजाना नियमित से होते रहने की जानकारी निकल कर आ रही है। उक्त स्थानों पर भी उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, BDO, संबंधित पुलिस स्टेशन के ठानेदार आदि ने कड़ी नजर रखकर ऐसे आयोजन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठने लगी है। तभी हॉटस्पॉट बनते जा रहे सांगेर तहसील के साथ साथ सांगेर शहर को कोरोना महामारी से बचाने तथा बढ़ते मरीजों की संख्या में कमी लाने हेतु कारगर सिद्ध होगी, ऐसे जानकारों का मानना है। आशीर्वाद सभागृह में हुए विवाह संदर्भ में जारी जांच कार्य की प्रगति पर हमारे स्थानीय संवाददाता ने तहसीलदार चैताली दराड़े से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार सभागृह संचालक पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश नगर परिषद सांगेर के मुख्य अधिकारी दिए गए तथा उनके द्वारा सांगेर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी होने की पुष्टि मुख्य अधिकारी स्मिता काये ने की। शादी की जब मुझे कल्पना हुई कि हाँ ऐसी ऐसी शादी होने वाली है तो हमने कुछ अधिकारियों को संपर्क करके उसके बारे में जानकारी बताई कि हाँ ऐसी ऐसी शादी हो रही जो नहीं होना चाहिए, इलीगल है। फिर भी इन लोगों ने किसी ने फोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया और वो शादी होते तक मुझे शाम के 4-6 बजे तक कोई अधिकारी सक्रिय नहीं थे। अधिकारियों की मिलीभगत से शादी हुई है, जब मुझे पता लगा कि अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है या हुई है तो मैंने दूसरे दिन निवेदन दिया माननीय कलेक्टर साहब, उनको ये सारी बातों से अवगत कराया कि यहाँ के अधिकारियों ने मिलीभगत करके ये शादी का आयोजन करवाया गया तो उसके बिना संभव नहीं था। अगर एक गरीब के यहाँ 50 के ऊपर 10-5 लोग भी ज्यादा हो गए तो ये नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उस गरीब के घर के अंदर से वो खाना खाते हुए लोगों को डंडे मार के हकालते। यहाँ जो शादी हुई यहाँ ऐसा नहीं हुआ।